पता है ये क्या है? नहीं पता, चलिए हम ही बता देते हैं। ये है एलोवेरा, बेसन और हल्दी। और आप कुछ बोल सकते हैं? इसमें आदी, रसून, मिर्चा ये सब डाला हुआ है और इसका चॉप बनेगा। हैं? क्या? इसका चॉप नहीं बनेगा प्रभु। तो क्या बनेगा? इसको हम अपना चेहरा में पोतेंगे, दिखा दे। चेहरा में पोतेंगे? हाँ। कैसे दिखा दे? कैसे दिखा दे? माँ काली बनना है क्या? नहीं, भुतनी बनना है क्या? स्मार्ट बनना है, स्मार्ट। तो ये बेसन, नमक, चीनी, नमक, हल्दी, लहसुन दे के क्या चेहरा ठीक होता है? नहीं, सबका एक एक नुस्खा होता है। इसमें हल्दी नमक नहीं डाले हैं, मतलब हल्दी डाले हैं, नमक नहीं डाले हैं। तो नमक भी डाल देती? फिर आप नमक डालेंगे तो चेहरा तो जलेगा नहीं। तो तेल? तेल डालेंगे तो अच्छा नहीं ना होगा। तो बिना तेल का पेलन कैसे होगा? देखिए इसमें डाले हैं, बताए एक बार, फिर एक बार आपको बता देते, सुन लीजिए। ठीक है। इसमें डाले हैं एलोवेरा, हल्दी। दिखाओ, बड़े से दिखाओ। देखिए, अच्छा, इसका हम थोड़ा सा हम घोल बनाए। इतना था हमें होगा भी कि नहीं पता नहीं, बहुत दिन बाद लगा रहे। इसका पकौड़ा बनाना अच्छा लगेगा। पकोड़ा खाने का मन है बेसन का नाम सुन के, तो बाद में बना देंगे ना, इसको मुंह में लगाने देते ना। तो दोस्तों आप लोग देखिए कि इसका चेहरा दिखाओ, अभी देखिए ऐसा दिख रहा, और बेसन लगाने के बाद देखा जाएगा कि कैसा दिख रहा। अगर बेसन लगाने के बाद ठीक दिख रहा तो बाकी सब हट के बेसन ही लगाया जाए। इंसान को बेसन बनाया था खाने के लिए, अब भुतनी बनने के लिए लगाया जा रहा। तो हम लगाएं क्या हल्दी थोड़ा? छोटा आईना कहाँ गया? हाँ, आईना का क्या करेगा? तो कैसे लगाए? हाथ से? नहीं, बिना देखे कैसे लगाए? हमको देख के। देखिए देखिए, दिख रहा है ना? तो ये देखिए मेरा देवी। अब हम सुंदर बनेंगे, सुंदर। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा देवी। तो मेरा देवी जी, देवी का पूजा कीजिए। पूजा कर रहे, इसीलिए तो हल्दी लगवा रहे। तो ना पहले आप हंसी लीजिए। तो मेरा जो देवी तो मेरा देवी जी जो है वो अपना कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। अगर इसमें स्मार्ट बन गई तो हम भी थोड़ा स्मार्ट बनेंगे। आप स्मार्ट बन के कहाँ जाइएगा? हम भी, हमको भी आदमी देखता है बहुत। आपको आदमी देखते हैं ना? औरत औरत पे तो हम बहुत देखते हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, जानते हैं कि लास्ट में सैंडिले मिलेगा। इसीलिए तो पूरा फेस में हो गया। आप एकदम जबरदस्त लुक लग रहे हैं, देखिए आप लोग, एकदम लग रहा है कि आलू चॉप बन चुकी है। आलू चॉप बन गया, हमको आईना में देखना है। थोड़ा पोतने में थोड़ा कम हो गया, थोड़ा यहाँ आईना में देख के पोत लेते हैं। और ये किससे देख के पोत रही है आपको पता है? किससे देखिए? किसको देखिए? जरूर, लेकिन एक बात बोले, सही बताए, ये वाला लगा के बाहर मत जाना, दादी सोचेगा लेटरिन में गिर गई है। मारो मत, मतलब देखो जो सच है वो बता रहे थे। मतलब हम बोल रहे हैं या कोई बच्चा खेल रहा होगा, अगर चल जाएगी तो बच्चा डर भी सकता। देखिए यहाँ पे आज हम लोग का बन रहा है, क्या है ये? परवल का भुंजिया, जो कि संध्या हम लोग के साथ रह रह के पटल बोलती है, और मार भात का सब्जी। आज सब्जी देखिए लग रहा है कि भुजिया तो जल गया है। ठीक है, बना लीजिए। तो बनाइए आप, कुछ भी बोलो, इस लेसन में आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सच बोले तो। बस बच्चा डर सकता है, और बहुत किसी को वो वाला एहसास आ सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लेकिन सब कुछ करना, रात में कभी लगा के सोना मत।
वरना पता चला बच्चा सुसु करने उठा, देख के डर के भाग जाए। बोलेगा भूत आ गया, ऐसे ही सूर्या बहुत डरते हैं। ठीक है, और आप लोग ही बताइए क्या सच में स्मार्ट लग रही कि नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात नहीं, है नहीं, पता है सच में, मतलब तुम बहुत स्मार्ट लग रही, सुबह सुबह एकदम नेचुरल लग रही है, तुमको इस सब की जरूरत नहीं है, ऐसे इतना स्मार्ट है ना कि क्या ही बोले। अब और स्मार्ट बनेंगे तब ना सबको भाव देंगे, कोई भाव नहीं देते हैं, कोई लाइक नहीं करते हैं ना। वाओ, ये सब लाइक शेयर के लिए हो रहा है, आप लोग आप समझ गए हैं। नहीं ऐसा बात नहीं, सब आपके लिए, मेरे लिए, ताकि आपका ध्यान कहीं और ना भटके। वाह, ये बात तो तुम छोटा का बोली है, कभी कभी भटकता है, नहीं मन आपके ऊपर है भटक। क्या ध्यान भटकता है मतलब? नहीं नहीं आपके अलावा नहीं भटकता, आपके ऊपर ही ध्यान भटकता है। ऐसा मेरा सांस है जाम, ऐसा बोल दे कि किसी और से मेरा ध्यान भटकेगा, ऐसा हो नहीं सकता है, जहाँ इतना अच्छा बीवी।